साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और बाबा केदारनाथ का जो मंदिर है वो मेरे हाथ में है। साथियों, जब 5 साल पहले उत्तराखंड में श्रद्धालु आते थे तो ये सोचते थे, हम लोग भी ये सोचते थे कि श्रद्धालु अपने साथ ले क्या जा रहे हैं। वो यात्रा की खट्टी मीठी यादें तो लेकर जाते थे, लेकिन कोई ऐसा सोविनियर नहीं था, खासतौर पर चारधाम यात्रा में, जो अपने साथ अपने घर में अपने पूजा के स्थान में लेके आए। लेकिन पिछले 2-3 सालों से उत्तराखंड के जो चारधाम मंदिर हैं, खास तौर पे ये जो मंदिर हैं इस तरीके के, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं। देहरादून में बन रहे हैं, कोटद्वार में बन रहे हैं, सहारनपुर में बन रहे हैं, और बड़ी संख्या में लोग जो श्रद्धालु हैं उनको खरीद भी रहे हैं। लेकिन इसमें मंदिर बनाते समय जो लोग भी हैं थोड़ी सी गलतियाँ भी कर दे रहे हैं, मंदिरों के जो डिजाइन है, जो वास्तविक डिजाइन है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो आज की कहानी है इसी मंदिरों के निर्माण की, कैसे ये मंदिर बनते हैं, किस लकड़ी के ये मंदिर होते हैं और क्यों इनको ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इस पर। ये मशीन से MDF होता है, ये मशीन से पार्ट्स निकलते हैं, फिर हमें मिलते हैं असेंबलिंग करने के लिए, तब हम पूरा मंदिर तैयार करते हैं। ये बॉक्स है केदारनाथ मंदिर का। सर, ये 2017 में हम लोगों ने एक फॉर्म रजिस्टर की उत्तरांचल टूरिज्म नाम से। तो इस फॉर्म के तहत हम लोग ये टूर एंड ट्रैवल्स का वो कर रहे थे कि उत्तराखंड में ये जो टूर एंड ट्रैवल, चारधाम यात्रा है, सब इसको प्रमोट कर रहे थे। तो ये प्रमोट करते करते हम लोगों ने, मतलब बहुत सारे जो टूरिस्ट आए तो हमेशा आते हैं, कुछ हमेशा टूरिस्ट ये मांगते हैं कि क्या चीज़ है यहाँ की जो फेमस है, हम अपने घर ले जाएं और अपने घर वालों को दिखाएं ये सब। और जब हम टूर एंड ट्रैवल प्रमोट कर रहे थे तो हम भी काफ़ी जगह गए, तो पहाड़ों में हमने देखा कि इस तरीके के मंदिर जो हमारे यहाँ बन रहे हैं, मतलब और जगह भी ये सब कुछ होता है, तो वहाँ क्या करते हैं, अपने वहाँ मंदिरों की प्रतिलिपियाँ होती हैं, तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी है। तो वहाँ लोग ये लकड़ी के बनाते हैं, इन्हें इसमें नक्काशी करके लकड़ियों की खूब भारी भारी मंदिर बनवाते हैं। तो इन मंदिरों को ले जाना बड़ा कठिन था, तो हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ तो ऐसा हो जो आसान हो और हर कोई उसे ले सके, क्योंकि वो मंदिर इतने दिनों में, एक एक मंदिर 10-10, 20-20 दिनों में एक मंदिर तैयार होता है, तो उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा जाती है, तो उसको भी कम, वो भी कम हो सके और आसानी से उपलब्ध हो सके हर जगह, क्योंकि उसकी डिमांड देना बहुत मुश्किल था। तो वहीं से ये दिमाग में आया कि कुछ तो ऐसा है जो एज अ सोविनियर हमारे उत्तराखंड के नाम से हो, और किसी को, कोई बाहर से आए तो वो लेके जाए और यादगार के तौर पे, क्योंकि हर कोई नहीं आ सकता, वो अपना तो वो दर्शन करके गया है, बाकी जितने लोग हैं उनको दिखाने के लिए कि देखो यहाँ मैं गया था और यहाँ वो प्रभु रहते हैं जिनके मैं दर्शन करके आया। तो इस तरह से ये सब शुरुआत हुई। मार्केट से कैसा रिस्पॉन्स मिला जब आप लोगों ने मार्केट में उतारे? सर, अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि हम लोग, जैसे मैंने बताया, पहले टूर एंड ट्रेवल्स के लिए करते थे, तो बहुत जगह हमारे साथी बहुत जगह थे, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब जगह थे जो हमारे लिए वीडियोस और ये सब का काम करते थे, तो उनके थ्रू हमने इनकी मार्केटिंग भी करवाई, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और बाहर के आने वाले लोगों ने भी इनसे बहुत पसंद किया, क्योंकि उनको जो चीज़ चाहिए थी, जो चीज़ पसंद उन्हें वहाँ आ रही थी, वो उन्हें बहुत सस्ते दामों में मिली, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया। सर, वर्कर कितने हैं? सर, करीबन 18-20 वर्कर हैं, कुछ कुछ डेली उस पर हैं, कुछ रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं।
कुछ डेली वेजेस पे हैं सारे, तो 18 से 20 करीबन लोग हैं। जब शुरुआत हुई थी कुछ दिक्कतें आई, कुछ समस्याएं आई? समस्याएं सर सबसे पहले तो इनके डिज़ाइन बनाने में ही आई, पर धीरे धीरे सब कुछ मतलब होता गया धीरे धीरे सॉल्व, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी ऐसे थे, मतलब साथ देने वाले इतने लोग थे कि ऐसा कुछ हमें कभी वो नहीं हुआ कि अब यहाँ रुक जाएं या इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आई जिससे कि हम जिसे हम ठहराव मान के चलें। ग्रेजुएशन का फर्स्ट लास्ट ईयर चल रहा है बीए का, एंड मैं बिल्कुल एकदम पार्ट टाइम, वैसे मैं जॉब कर रही हूँ पर इस जॉब को लेके मेरे को इतना बेनिफिट भी है कि मेरा पार्ट टाइम और पॉकेट मनी सब निकल जाता है। बट इस यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगता है कि मुझे काफ़ी चीज़ें जानने को मिली, अपने धार्मिक स्थल जानने को मिले हैं मुझे, और काफ़ी चीज़ों मेरे धर्म से रिलेटेड थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इतना वो किया है कि मैं सब चीज़ के बारे में जान सकती हूँ। यहाँ पर हम लोग आते हैं, अपना टाइम देते हैं, सब कुछ करते हैं और यहाँ पे मॉडल्स बनाते हैं। एक बंदा पहले, यानी कि पहले ऐसा था कि हम क्वांटिटी हमारी कम रहती थी जैसे कि सब बनाते थे, पर अब ऐसा हो गया है कि सारे जने एकदम परफेक्ट हो गए हैं सब चीज़ बनाने में, और इनका टाइम भी बिल्कुल एकदम सही है। हम सारे एजुकेटेड वगैरह यहाँ पे हैं और अपना टाइम भी कर रहे हैं और पॉकेट मनी भी हमारी सारी निकल रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा राणा है और मैंने इंटर किया है, और ये सारी मशीन जो है वो मैं खुद ऑपरेट करती हूँ, और यहाँ पे मुझे करीबन 1 ईयर हो चुका है। और जो हमारे यहाँ पे जो ओनर हैं मिसेज हिमानी मैम, तो वो यहाँ पे आती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम सब यहाँ पे सारी ज़्यादातर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी लेडीज़ ही हैं और गर्ल्स हैं, सब लोग एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। प्रोसेस कैसे है सर? बनाने की प्रोसेस है, सबसे पहले ये रॉ मटेरियल है आप देख रहे होंगे इधर, और यहाँ पे सिस्टम में इसका डिज़ाइन तैयार होता है, और उसके बाद ये मशीन है, इन मशीनों में इसके मतलब कटिंग होती है, और उसके बाद असेंबली आती है हमारी। ये मशीन है तो इसमें ये देखिए छोटे छोटे पार्ट्स कट हुए हैं, और ये पार्ट्स निकल के अब ये असेंबली के लिए जाएंगे, मतलब ये सारे जो वर्कर्स हैं ये इसे ज्वाइन करेंगे। तो मशीन का जितना काम है उतना ही इन लोगों का काम है कि ये सब हाथ ही से जोड़े जाते हैं, और उसमें कोई मशीन का काम नहीं है। तो देखिए सर, यहाँ पे असेंबली का काम होता है, ये लोग सारे पार्ट्स को मिला के ऐसे एक मंदिर तैयार करते हैं, और इनमें से 18-20 में से कुछ लड़कियाँ हैं जो स्कूल जो कॉलेज भी पढ़ती हैं, साथ साथ पढ़ाई भी कर रही हैं, और कुछ गृहणियाँ भी हैं महिलाएं जो इसमें योगदान है जिनका, और इनके इसमें कलर भी ये लोग ही खुद करते हैं अपने हाथों से, और आपको भी कलर मॉडल भी दिखाएंगे आगे। हिमानी ने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो आप उसको धरातल पर उतार सकते हैं, और ये करके दिखाया उन्होंने। और एक तरीके से जो काम बहुत बड़े बड़े हमारी सरकार की नीतियां नहीं कर पाई, वो हिमानी जैसे बहुत सारी महिलाओं ने करके दिखाया। अब आप देखिए कि वो जो मंदिर 1.5-2 साल से बने हैं वो उत्तराखंड की पहचान बने हुए हैं, और जब चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं श्रद्धालु, तो वो इन्हीं मंदिरों को लेकर जाते हैं। अब वो जो पहाड़ के पारंपरिक घर हैं या पर्वतीय शैली के जो हमारे मकान हैं उन पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप ये देखिए, ये जो मंदिर है, ये जो घर है, ये घर इस तरीके से आप बना सकते हैं, सोविनियर दे सकते हैं। वैसे तो सबसे अच्छा तो मंदिर ही है मंदिर देना, लेकिन ये घर भी कितने खूबसूरत लगे। ये देखिए इन मंदिरों को आप, इन घरों को आप दे सकते हैं। ये यमुनोत्री मंदिर है, ये गंगोत्री मंदिर है। जब आप इन मंदिरों में या चारधाम यात्रा में उत्तराखंड पहुंचेंगे तो कई जगह इस तरीके के मंदिर आपको दुकानों में, जो पूजा सामग्री की दुकानें हैं, ये केदारनाथ मंदिर है, और सबसे अंतिम में बद्री विशाल। मैंने बताया भी वैसे ही जैसे यात्रा होती है, सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ, और अंत में भू वैकुंठ धाम बद्री विशाल।
जब आप केदारनाथ में या फिर बद्री विशाल धाम में इस तरीके के मंदिर देखते हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे युवाओं को जो पढ़ रहे हैं छात्र, कि ये मंदिर आखिर बनते कैसे हैं। तो दरअसल ये एक MDF तकनीक है, MDF तकनीक कह सकते हैं इसको। ये लकड़ी जो है ये विदेश से आती है, ख़ास तौर पे थाईलैंड, न्यूजीलैंड और भी देशों से, दिल्ली और दिल्ली से फिर यहाँ पर या और भी जगह उनको मंगाया जाता है। और ये हल्की भी होती हैं, जैसे हमारे देश में आपने देखा होगा कि प्लाई की चारपाई हैं, फोल्डिंग हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये एक अलग तकनीक है जिसमें कंप्रेस करके लकड़ियों को बहुत हल्का और मजबूत बनाया जाता है ताकि वो जल्दी टूटे भी ना। तो जब भी आप केदारनाथ धाम या बद्री विशाल में जाएँ तो जैसे ही आपकी नज़र पड़ेगी तो ये जो लकड़ियों से, जिन भी लकड़ियों से बनता है, उसको कहते हैं MDF। ये हमारे जो आराध्य देव हैं बाबा केदारनाथ, उनका जो मंदिर है, ये मंदिर का जो मॉडल बनाया है ये टीम उत्तरांचल टूरिज्म के नाम से बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मॉडल बना हुआ है। देखिए जहां मंदिर जो है, जो जहां है वो ठीक वैसा ही बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर बना हुआ है और ये यात्री आ रहा है केदारनाथ में और इसको अपने घर ले जा रहा है और एक निशानी के रूप में अपने घर में रख रहा है। देखिए कई लोग बना रहे हैं, बढ़िया है, सभी लोगों से ज़्यादा संख्या में बनाएं, अपना रोजगार है। लेकिन हमारा सब लोगों से यही निवेदन है, जो मंदिर की वास्तविकता है उसी वास्तविकता को बनाएं, जहां मंदिर पे जो लगा हुआ है वही बनाएं। आप देख सकते हैं जहां मंदिर नंदी जी विराजमान है, ये मंदिर का मुख्य द्वार है, ये मंदिर का ये पृष्ठ जहाँ से दर्शन के बाद ये अंदर गर्भगृह है। तो ये देखिए आप, टीम उत्तरांचल टूरिज्म का बनाया हुआ है, इसकी क्वालिटी MDF बोर्ड आता है वो बोर्ड से बना हुआ है, एकदम मजबूत क्वालिटी का ये है, कहीं से नहीं इसकी पॉलिश उतरेगी, चाहे पानी डालो, चाहे पानी से या धूल आप साफ कर सकते हैं, तो कहीं से भी इसकी पॉलिश नहीं उतरेगी, ना इसके कलर फेट होगा। आप चाहे धूप में गाड़ी में रखो, चाहे अपने पूजा के स्थान में रखो, चाहे आप किसी को वो दो केदारनाथ की निशानी के रूप में दो, ये एकदम मने सुयोग्य चीज़ है। जो आप केदारनाथ आए और केदारनाथ में आपको ये उचित रेट पर मिल जाएगा। उत्तराखंड देवभूमि है और जब देवभूमि आकर हम सोविनियर के रूप में हमारे जो तीर्थ हैं उनको लेकर और सुखद अनुभूतियों को लेकर जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर चारधाम यात्रा शुरू होने में तो अभी समय है, लेकिन आप लोगों के लिए जो अलग अलग मंदिर हैं वो तैयार हो रहे हैं और जब कपाट खुलेंगे तो उसके जो आस्था और भक्ति होती है उसके साथ साथ तमाम मंदिर आपको दुकानों में दिखेंगे। तो इनको लेके जाइए और एक तरीके से जो रूरल इकोनॉमी है उत्तराखंड की या जो उत्तराखंड की इकोनॉमी है उसमें भी आप भागीदार बनिए। फिलहाल संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जो कहानियाँ हैं, जो ये कहानी थी हिमानी की कहानी या इसकी, इसी तरीके से और भी एंटरप्रेन्योर हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपके बीच आती रहेंगी। फिलहाल नमस्कार, जय नंदा, जय हिमाल, जय श्री केदारनाथ धाम।